ओके चलिए फिर से एक बार कनेक्ट हो जाइए, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए दोस्तों, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब ये आई थिंक रिजॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार वीडियो क्लासेस को रिफ्रेश कर लीजिए, हम कनेक्ट हो चुके हैं। ओके सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे इस स्लाइड पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें डेली करंट अफेयर्स के तौर पे हमने मंथली करंट अफेयर्स का आज एक पोर्शन आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ। मंथली करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है तो हम यहाँ पर बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से कनेक्ट हो चुके हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून रितेश जी, धर्मेंद्र शाह, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बाकी रिजोल्व हो चुका है। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग यहाँ से कनेक्ट होते चले, फिर ढेर सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 200 जो है, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास जो है अभी हम कंप्लीट कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आप लोग कमेंट्स करके बता दो एवरीथिंग इज ओके ना, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से बता दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो इन शॉर्ट बिना टाइम खराब किए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बताइएगा, मैं फटाफट क्वेश्चन पर अपन बात करते चलेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आज यूट्यूब फेस्टिवल के तौर पे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, आज दिसंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ। आप लोगों ने अगर दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको ध्यान भी होगा और यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर पाओगे। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोग को बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पर SHK 2020 कोड का यूज कर लीजिएगा, 10% का इस टाइम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। रही बात मेरी परिचय की दोस्तों, तो मैं हरीश कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के यूट्यूब सेशन पे। ठीक है, क्वांट और जनरल अवेयरनेस एजुकेटर के तौर पे मैं आप लोगों से कनेक्ट हूँ और आज हम इसी जनरल अवेयरनेस सीरीज पर मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पे आज का सिलेबस रहेगा दोस्तों। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल जो है, खासतौर पे अगर प्रोफाइल में आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। आप क्लास के बाद में भी इस लिंक को आप ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी प्रोफाइल लिंक यहाँ पे दे दी गई है। फॉलो करने के बाद मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ से मैसेज का चैटिंग बॉक्स भी होता है। इसके अलावा HK 2020 इस कोड को नहीं भूलना है क्योंकि इसी कोड से आपको फ्री क्लासेस भी देखने का मौका मिलता है और साथ में इसी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको यहीं से मिल जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। बैंक एग्जाम की कैटेगरी में आप मुझे जो है सर्च कर पाओगे, बैंकिंग कैटेगरी में एज ए प्लस एजुकेटर मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ। बात करते हैं यहाँ पे डेली लाइव सेशन की, तो ये सारे फैसिलिटी आपके लिए रखे गए हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन आपके पास नहीं होगा तो फटाफट इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा क्वांट जो है आपके स्ट्रक्चर कोर्स और चॉइस ऑफ टीचर, चॉइस ऑफ बैचेस की फैसिलिटी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन ये है, यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर पाओगे काफी आसानी से। यदि आपके पास पहले से अनअकैडमी का एप्लीकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, इस चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, ये भी हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से 2 से 3 लाख बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आज का यूट्यूब फेस्टिवल है, इन शॉर्ट हम फटाफट चलते हैं, कुछ बैचेस की भी बात कर लें। 17 मार्च से कुछ अच्छी बैचेस आ चुकी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एसेलेटर बैच है, SBI क्लर्क 2021 को लेकर 17 मार्च को इसकी स्टार्टिंग हो रही है। रणविजय बैच सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर है जिसको 17 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया है। टारगेट SBI PO का भी बैच है, इसके अलावा टारगेट IBPS PO का भी बैचेस है। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा लाइनअप बैचेस हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, लाइनअप बैचेस फॉर दिस कोर्स दैट इज ऑल SBI एग्जाम के लिए, और एक अलग से लैंग्वेज में भी आपके लिए अलग से बैचेस की स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो इन सभी बैचेस से आप लोग कनेक्ट रहिएगा। बात मुद्दे की, तो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप लोगों के लिए लिया जा रहा है, हर संडे ये होता है, एवरी संडे। तो ध्यान रखिएगा, एवरी संडे 10 बजे 10 AM को इस कोड का यूज कीजिएगा, इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इसी कोड से आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे और यहां से इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस टेस्ट से आप लोग शामिल हो जाइएगा।
क्या सब्सक्रिप्शन ले क्या ना ले, तो इसमें ज्यादा कोई बात नहीं समझानी पड़ेगी। आप सब काफी समझदार हैं, क्योंकि आपको देखिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आपको अधिक समय देने पर ही आपकी तैयारी जो है काफी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि संतुलित समय में ही आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो सकती है। इसलिए कम से कम मिनिमम 1 साल का या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेटर होगा। छोटा सब्सक्रिप्शन लेने से आपको प्रॉब्लम ही होंगे, क्योंकि आपका बेस और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने में थोड़ा सा समय तो लगता है दोस्तों। इसलिए आप अपना बेस और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो मिनिमम 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है आप लीजिएगा। इस कोड का यूज कर लेना है HK2020, जिससे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा। कुछ अच्छे यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में रखी गई है आप लोगों के लिए। इन सभी टेस्ट सीरीज का फ्री में फायदा लेना है। इन सभी टेस्ट सीरीज को देने के लिए आपको जब भी कोड की जरूरत होगी तो आप कोड यूज कीजिएगा HK2020। इस कोड के माध्यम से इन सभी क्लासेस को कनेक्ट हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है डायरेक्ट हम क्वेश्चन, चूंकि कुछ क्वेश्चन हमने अभी मॉर्निंग वाले सेशन पे कंप्लीट किया था, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारा सीरीज जो स्टार्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे और भी नए जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए पढ़ते जाऊंगा। इस सीरीज को बखूबी अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ द किड्स ऑफ द ईयर अवार्ड बाई टाइम मैगजीन। तो यहाँ पे अगर राइट ऑप्शन आप लोग लेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गीतांजलि राव। गीतांजलि राव का ये अपडेट आप याद रखिएगा, द इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट एंड द इन्वेंटर गीतांजलि राव हैज बिकम एज द फर्स्ट एवर काइंड ऑफ ईयर आइकोनिक टाइम मैगजीन के माध्यम से। तो ई ऑप्शन यहाँ पे लेना है दोस्तों, ई ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ई ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, When is the soil day observed? तो soil day कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे डी ऑप्शन। आप कहेंगे 5 दिसंबर को जो है वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, एवरी ईयर, एवरी ईयर। अनदर क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द विनर ऑफ 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज? तो ग्लोबल टीचर प्राइज के तौर साल अगर हम बात करेंगे उस व्यक्ति का, तो ये है उनका नाम रंजीत सिंह डिजाले। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनको लगभग पुरस्कार राशि 7.4 CR, मतलब 7.4 करोड़ रुपए का प्राइज मनी मिला है, जिसको लगभग 1 मिलियन डॉलर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 मिलियन डॉलर के जो रकम है वो उनके पुरस्कार के तौर पे मिली है, मतलब ए ऑप्शन आपके यहाँ पे कहना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लें दोस्तों, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे? ओके, तो हम क्वेश्चन पे पहुंचे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे थीम ऑफ वर्ल्ड सॉयल डे 2020 की। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। तो जहां तक मैंने इस क्वेश्चन पे बताया आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 7 पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन के तौर पे आप लेंगे ए ऑप्शन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉयल डे 2020। तो वर्ल्ड सॉयल डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जहां से इस साल कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी की बात इस साल की गई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिनेश्वर शर्मा हैज पास्ड अवे, ही वाज सर्विंग एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर जैसे ही मैंने अभी बता ही दिया था आप लोगों को कि लक्षद्वीप समूह जो है एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे यहाँ से जुड़े हुए हैं दिनेश्वर शर्मा जी, जिनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के इंट्रल लोकेटर के तौर पे अगर हम इनकी बात करें तो फॉर्मर इंटरलोकेटर के तौर पे जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए थे 2017 में, और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उन्होंने वर्क कर रहे थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो एट ए प्रेजेंट ये जो है अभी लगभग लगभग यहां से जुड़े हुए थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट ऑप्शन होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली ए पार्टनरशिप विथ रूपीफाई एंड वीजा टू लॉन्च रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर द एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी, यस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, क्या राइट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे? हम कहेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसलिए कहना है क्योंकि एक्सिस बैंक लिमिटेड पार्टनरशिप विद रूपीफाई एंड वीजा लॉन्च्ड एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर द एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। तो यहाँ ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है, जहां पर जी माधवन नायर, के कस्तूरी रंजन, शैलेश नायक, ए शिवथानु पिल्लई या एम जी के मेनन, अलग अलग ऑप्शन है दोस्तों। आपका राइट ऑप्शन क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, ए शिवथानु पिल्लई। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में रिलीज किया था इनकी बुक, टाइटल का नाम क्या था? 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ए बुक ऑन लाइफ ऑन द फार्मर प्रेसिडेंट, आप सबको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द बुक वॉज ऑथर्ड बाई डॉक्टर शिवथानु पिल्लई। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, कोरे एंडरसन की बात आ रही है। कोरे एंडरसन जो कि जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ही वॉज ऑलराउंडर रिप्रेजेंटिंग विच कंट्री, कौन से कंट्री से ये कनेक्ट थे ये आपको बताना है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका। तो यहां पे आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो आप लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन कहेंगे, राइट ऑप्शन क्या कहेंगे? इंग्लैंड। जिन्होंने इंग्लैंड कहा, बिल्कुल सही आंसर है रितेश जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, न्यूजीलैंड। ऑलराउंडर कोरे एंडरसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर हम बात करेंगे आरटीजीएस का। आरटीजीएस सिस्टम ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक विद इफेक्ट फ्रॉम विच डे। तो किस दिन से ये बात आ रही है आपको बताना। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे? डी ऑप्शन कहेंगे, 14 दिसंबर को। ये अपडेट ध्यान रखिएगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सिस्टम विल बी मेड अराउंड द क्लॉक ऑन द डे ऑफ ईयर विथ इफेक्ट फ्रॉम 12:30 आवर्स ऑन द दिसंबर 12, 2020। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द इंडियन हु हैज बीन नेम्ड इज द स्ट्रेट टाइम एशियन ऑफ द ईयर 2020। पीसी श्रॉफ, अदर पूनावाला, साइरस मिस्त्री, उदय कोटक या फिर रतन टाटा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे? फटाफट कमेंट्स आप दे सकते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 13 पे राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं आप लोग के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए क्या राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा, बताइए दोस्तों।
चलिए, तो राइट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या कहेंगे आप? बी ऑप्शन कहेंगे, अदर पूना वाला। अदर पूना वाला, ठीक है। ये कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट से कनेक्ट ये चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम आपको याद रखना है, अदर पूना वाला। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड अमंग द सिक्स द स्ट्रेट टाइम एशियन ऑफ द ईयर 2020 बाय सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द ओनली सेकेंड कंट्री आफ्टर द यूएस टू अनफर्ल इट्स फ्लैग ऑन द मून? तो यहां पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। यहां पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो फास्ट कमेंट्स करके बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। यहां पे अगर हम बात करें, चाइना हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड अनफर्ल इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून सरफेस, अर्लियर दिस फीट वॉज अचीव्ड बाय ओनली बाय द यूएसए। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे? ए ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम बात करेंगे, द रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस की बात यहाँ पे फिर से आ रही है। तो आरटीजीएस जो सिस्टम है, इस पर देखिए क्या राइट ऑप्शन देंगे आप। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? आपको एक्ट बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा एक्ट होना चाहिए। आरटीजीएस सिस्टम रेगुलेशन 2011, 13, 15, 9 या 10, क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए राइट ऑप्शन बताइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे यहां पे क्या, क्वेश्चन नंबर 15 पे बी ऑप्शन कहेंगे, आरटीजीएस सिस्टम रेगुलेशन 2013 लाया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका यहां पे क्या हुआ? बी ऑप्शन। इस्मा कंटिन्यू टू गवर्न बाय द आरटीजीएस सिस्टम रेगुलेशन 2013। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें। नेम द स्पेस टेक स्टार्टअप विच हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ इसरो टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन बोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन पीएसएलवी से जुड़ा हुआ जो आंसर लेना है आप लोगों को, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पिक्सेल। अब पिक्सेल की अगर हम बात करेंगे तो आप ध्यान होना चाहिए दोस्तों, बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सेल की यहाँ पे बात की जा रही है, हैज साइंड ए पैक्ट विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरो वर्क और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी रॉकेट इन द अर्लियर 2021। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन इज द आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो जो झंडा दिवस होता है, आर्म फोर्स फ्लैग डे, ठीक है, जिसे नेशनल फ्लैग डे के तौर पे जाना जाता है, तो आप यहां पे राइट ऑप्शन क्या कहेंगे? यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 पे? ए ऑप्शन हो जाएगा, 7 दिसंबर कहना है दोस्तों, 7 दिसंबर।
ठीक है, इन इंडिया द आर्म फोर्स फ्लैग डे आल्सो नोन एज द फ्लैग डे ऑफ इंडिया ये 7 दिसंबर 1949 से स्टार्ट हुआ है। 1949, 7 दिसंबर 1949 से ये स्टार्ट हुआ है। तब से आज तक हर साल 7 दिसंबर को एवरी ईयर ये आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, बांग्लादेश हैज रिसेंटली साइंड इट्स फर्स्ट प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे पीटीए कहा जाता है। पीटीए मीन्स प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन द 1971। इंडिया, भूटान, जापान, जर्मनी, यूएसए। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूटान कहना है। तो चलिए हम बात करते हैं भूटान के बारे में। बांग्लादेश का हाल ही में अभी पीटीए जो हुआ है, खासतौर पे फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है विद भूटान, विच विल अलाउ टू ड्यूटी फ्री एक्सेस टू रेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज एंड हैंस बूस्ट बिलेटरल ट्रेड बिटवीन देम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अच्छे से याद रखिएगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए बस एक ही कोड आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा, HK 2020 कोड से आपको किसी भी कोर्स में, अनएकेडमी के किसी भी कोर्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों की क्लासेस जो हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर रेगुलर सीबीएसई बोर्ड की कक्षाएं हो, सभी की यहाँ पर कोर्सेस होती है। इन सभी के लिए आप इसी कोड का यूज कीजिएगा, HK 2020, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप मुझे मेरा प्रोफाइल जो है फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। फॉलो करने के बाद आपको मैसेज का भी एक बॉक्स मिल जाता है, जिससे आप अपने पर्सनल एजुकेटर या ट्यूटर से आप चैटिंग भी कर सकते हैं। HK 2020 ये कोड लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी कोड से हमारी स्पेशल क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है, और HK 2020 इसी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, रवि पतवर्धन जी की बात आ रही है। रवि पतवर्धन जी की अगर हम बात करें, इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। फेमस एक्टर के तौर पे थे ये, और कौन से फिल्म इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए थे, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे राइट ऑप्शन के तौर पे आप उड़िया भी कह सकते हैं, बंगाली है, गुजराती है, मराठी या पंजाबी, कौन से ऑप्शन को आप जो है सही कहेंगे, तो बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए। प्रशांत कुमार पाल जी हमसे जुड़े हुए हैं। प्रशांत, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो? तो प्रशांत ने कहा यहाँ पे सी ऑप्शन। हम यहाँ पे बात करेंगे डी ऑप्शन की, ये मराठी फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। रवि पतवर्धन जी की बात करेंगे, पॉपुलर फेस मराठी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे एक 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एटीपी फॉर बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी इफिशियंसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सिटी। तो कितना लगभग अमाउंट जो है यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाने का बात रखा गया है। एडीबी मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना है, 190, 150, 130, 100 या 125। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आप लोग फास्ट कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स को देख पाऊंगा। अगर आप लोग आंसर देना चाहें तो डेफिनेटली आप लोग अल्फाबेटिकल पे आप अपना आंसर देते चलिएगा। ओके, रितेश कह रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए। चलिए मैं बता दूं रितेश, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप 190 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है। मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, लोन अगर यहाँ पर हम बात करें तो 190 मिलियन डॉलर, मतलब लगभग अप्रोक्स 1400
करोड़ रुपए जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जाता है, विच डे एवरी ईयर? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, तो यहां पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पर बी ऑप्शन कहेंगे। मतलब एवरी ईयर 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना है आप लोगों को। और किस चीज की वो इंपॉर्टेंस यहां पर दिया गया है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एविएशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो बी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मनु मुखर्जी की बात आ रही है, इनका हाल ही में भी निधन हो चुका है। कुछ बच्चों ने आज ये क्लास कर चुके हैं, उनके लिए ये रिपीट हो जाएगा, तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से थोड़ा सा हम आपसे भी पूछेंगे और आप भी बताएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 51 तक मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है? तो मैं फटाफट इसका आंसर शो कर रहा हूं, आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आंसर शो करूंगा। उसके बाद फिर हमारे लगभग 150 क्वेश्चन है आज हमारे, हमको कंप्लीट करने हैं, जहां पे हम 50 क्वेश्चन तक फास्ट चलेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 51 टू 150 क्वेश्चन तक का थोड़ा सा हम आराम से उसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पे मनु मुखर्जी की बात आ रही है। मैंने आज ही के सुबह की क्लास में आप लोग को बताया था कि ये जाने माने कौन है, एक्टर है, और वो भी कैसे एक्टर है, बंगाली एक्टर है। बंगाली एक्टर मनु मुखर्जी का नाम आपको याद रखना है, जिनका कार्डियर अरेस्ट के कारण से, दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, नरिंदर सिंह कपानी जी की बात यहाँ पे आ रही है। क्वाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन द 1956 पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94, 94 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये फाइबर ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं, राइट ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपको कहना है, नरेंद्र सिंह कपानी, जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया, इनको फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के तौर पे याद रखा जाता है इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 24, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड द लोन मैनेजमेंट लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन? तो लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन, इसकी अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बैंक का नाम आपको याद रखना है, पीएनबी बैंक, जिसे पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आप अपडेट अच्छे से ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च्ड द टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन टू स्पीड अप द मेंटेनेंस एक्यूरेसी इन द ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग क्रेडिट प्रपोजल के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल का जो थीम था दोस्तों, इस साल का जो थीम था वो कहा गया था इस साल कि एडवांसिंग इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट की बात की जाएगी। मतलब राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे बी ऑप्शन लेना है दोस्तों, राइट ऑप्शन आपको क्या लेना है, बी ऑप्शन लेना है। 2023 तक का जो है यही उद्देश्य रखा गया है, और थीम क्या रखा गया है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट टैक्सेस, जिसे शॉर्टकट पे QRMP कहा जाता है। QRMP, क्यू मीन्स क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग मंथली पेमेंट्स, दैट इज QRMP स्कीम। ये क्या है, द टैक्स पेयर हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो इस साल अगर हम बात करेंगे तो टोटल अमाउंट 5 CR, 5 करोड़ रुपए की बात जो है की गई है, डी ऑप्शन आप लोग को कहना है, टोटल डी ऑप्शन ही इज राइट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर हम बात करें, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2021, तो एशिया कप 2021 के लिए श्रीलंका आगे आ रहा है, और इसे जो है पाकिस्तान की क्रिकेट जो बोर्ड है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने ये बताया है कि श्रीलंका जो है वो आने वाला एशियन कप 2021 को होस्ट करेगा, ठीक है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे कहना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28,
यहाँ पे बात आ रही है विच इंडियन एएमसी हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल रीट फंड्स ऑफ फंड्स। तो रीट्स फर्स्ट फर्स्ट जो फंड्स ऑफ फंड है इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे बी ऑप्शन कहना है, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो राइट ऑप्शन आपने देख लिया कि बी ऑप्शन आपको यहाँ पे कहना है। मैंने पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर्म पे दिख दिया है, आप यहाँ पे पूरा अपडेट अच्छे से पढ़ सकते हैं एक क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 50 क्वेश्चन तक मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, उसके बाद फिर स्लो चलूंगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग में ये सेशन थोड़ा हो गया था तो कुछ बच्चों का रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलें, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 150 तक हम थोड़ा आराम से ही पढ़ेंगे। विच कंट्री हैज वॉन द इंटरनेशनल किंग भूमि बोल अवार्ड, सोयल वर्ल्ड सोयल डे अवार्ड 2020 किन को मिला है? तो ये मिला है हमारा इन्वेस्ट इंडिया को। किसको? इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया जो है इंडिया की एक एजेंसी है, एजेंसी है कह सकते हैं, जिससे ये पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर आपको कंट्री के तौर पे बताना है तो आप इंडिया कहेंगे, ठीक है? तो ये राइट ऑप्शन याद रखिएगा, ई ऑप्शन इज राइट आंसर। आप देख सकते हैं आईसीएआर से जुड़ा हुआ, ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दैट इज ICAR हैज वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल किंग भूमि बोर सॉइल डे अवार्ड 2020 प्रेजेंट एनुअली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO से। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नेम द विनर 2020 सकीर ग्रैंड प्रिक्स। तो यहां से सर्जियो पेरेज का नाम आपको याद रखना है। क्या? सर्जियो पेरेज विनर ऑफ 2020 सकीर ग्रैंड प्रिक्स, सर्जियो पेरेज, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पे ये रहा आपका ई ऑप्शन, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 31 पे। द मोबाइल पेमेंट ऐप नाम क्या है उसका? आई मोबाइल पे। क्या है नाम उसका? आई मोबाइल पे हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो आई मोबाइल पे की अगर हम बात करेंगे तो यहां से आप जोड़ के देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पे बात की जाएगी दोस्तों, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन आई मोबाइल पे, यहाँ पे आप आईसीआई बैंक ही लेंगे जो कि प्राइवेट लेंडर बैंक के तौर पे नाम याद रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर हु हैज रिसेंटली वॉन द फार्मूला 2 रेस एट द 2020 सकीर ग्रैंड प्रिक्स। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जेहान दारूवाला। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है, जेहान दारूवाला। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33, मधुकर गंगाधर रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो हम बात करेंगे मधुकर गंगाधर जी की, तो ये जाने माने जो है राइटर और स्टोरी टेलर के तौर पे इनका नाम याद रखना है। जाने माने राइटर और स्टोरी टेलर मधुकर गंगाधर का हाल ही में अभी निधन हो चुका है। ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, दैट इज राइटर एंड स्टोरी टेलर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34 पे, Who among the following has won the third Rabindranath Literacy Prize? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज के विजेता के तौर पे राज कमल झा, ठीक है? बी ऑप्शन आपको कहना है, राज कमल झा। 34, राज कमल झा, थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज। इनकी नॉवेल का नाम क्या है? द सिटी एंड द सी। ओके, द सिटी एंड द सी। क्वेश्चन नंबर 35, जैसा कि यहाँ पे रीट का फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है, तो रीट का फुल फॉर्म हो जाएगा रियल ई स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है? तो राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021। तो यहाँ पे आपकी जो रैंकिंग है खासतौर पे इंडिया की, वो 10वें स्थान पे इस साल रहा है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे ये आपका हो गया राइट ऑप्शन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 37, एज पर द न्यू सर्वे कंडक्टेड बाय द नेपाल एंड चाइना, तो अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसमें
कितने परसेंट की और बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब कितना जो हाइट है वो बढ़ोतरी देखी गई है। तो यहाँ पर लगभग 86 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ोतरी देखी गई है, 48.84 सेंटीमीटर कहा जाएगा। तो ये टोटल हाइट थी पहले, इसमें इतनी की बढ़ोतरी हो चुकी है, 86 है सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपने ले लिया सी ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल रिसेंटली इंक्ड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो NLRP से की बात यहाँ पे आई है और ये कहा गया है कि IIFM भोपाल का अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है NLRP के लिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे नेशनल थर्मल पावर प्लांट NTPC की बात करेंगे। NTPC लिमिटेड जो है उसका MOU हुआ है, डील हुई है IIFM के साथ NLRP के लिए, नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, डी ऑप्शन कहेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द थीम, यहां से सब्जेक्ट पूछा जा रहा है IMC का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आप इस साल का सब्जेक्ट कहेंगे इंक्लूसिव इनोवेशन, जहां से स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल इन तीनों की बात इस साल रखी गई है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो गया है ई ऑप्शन। ये पूरा अपडेट आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इनॉग्रेट किए हैं इन्होंने, और वर्चुअली एडिशन ये हुआ है जहाँ पे इंडियन मोबाइल कांग्रेस की 2021 की जो है यहाँ पर विधिवत जो है ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, 8 दिसंबर 2020 की बात है। ठीक है, और थीम इस साल का क्या था, तो स्मार्ट सिक्योर और सस्टेनेबल फॉर इंक्लूसिव इनोवेशन के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री हैज वॉन 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड UNCTAD। तो यहां से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, UNCTAD से कहां से कौन सा जो क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है। तो हम यहां पे बात करेंगे इंडिया की, ई ऑप्शन इंडिया कहना है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के तौर पे इन्वेस्ट इंडिया यहां से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्ट इंडिया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, 6, 8, 7, 9, 10, कितने दिसंबर की बात है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 41 पे ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर। ठीक है, अवेयरनेस क्या है, रेज द पब्लिक अवेयरनेस एंड फॉर द एंटी करप्शन, इसीलिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। ठीक है, और अवेयरनेस के तौर पे क्या उद्देश्य है इनका, पब्लिक अवेयरनेस फॉर एंटी करप्शन। एंड एन क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फाउंडेशन, ज्योति दत्ता, विवेक मूर्ति, अनिल सोनी, सौम्या स्वामीनाथन या शिवेंद्र गुप्ता। यहां पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनिल गुप्ता। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो अपॉइंट किया गया है एज ए फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अनिल सोनी जी को। क्वेश्चन नंबर 43, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज लॉन्च्ड द वर्चुअल 2020 फिट इंडिया साइक्लोथन, द प्रोग्राम इज विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया साइकिलिंग इवेंट। तो यहां पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकंड एडिशन। तो आप कहेंगे राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, क्लियर है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सेकंड एडिशन के तौर पे।
चलिए फिर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे। पीडब्ल्यूसी की बात यहां पे आ रही है। पीडब्ल्यूसी इंडिया हैज कोलेबरेटेड विद विच एंटिटी टू अप स्किल 300 मिलियन यंग इंडियंस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स ज्वाइंटली विद युवा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। एक दिया हुआ है एनएसडीसी की बात, मींस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दूसरा है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का भी ऑप्शन है, आईएफएससी का। यूसीएआईडी इसका भी ऑप्शन है। इसके अलावा ई ऑप्शन यूनेस्को भी यहाँ पे ऑप्शन के तौर पर दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिसेफ की हम बात करेंगे दोस्तों। यूनिसेफ इज राइट आंसर। तो यूनिसेफ आप टिक लगा लीजिएगा, यूनाइटेड, ठीक है, यूनिसेफ। किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अन एकेडमी पे हर एक एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। यदि आप अन एकेडमी के साथ जुड़कर तैयारी करते हैं तो आप इस कोड का यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपके पास अन एकेडमी से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका लगेगा। आपको इस मौके को नहीं छोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एनरोल कीजिए और भी दोस्तों को शामिल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बैचेस और टॉप के एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे बेहतरीन और काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ साथ में आपको यहाँ पे और भी ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फ्री की क्लासेस को भी यहाँ पर एक्सेस करके देखिए। यहाँ से पढ़िए, फ्री क्लासेस लीजिए, फ्री टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनअकैडमी में हरीश कुमार मेरा प्रोफाइल नेम है। यहाँ से आप बैंकिंग कैटेगरी में जाके मेरी क्लासेस को देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉलो करने के बाद ही यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आएगा और मेरी पूरी क्लासेस की नोटिफिकेशन फॉलो करने के बाद ही आपको मिल पाएंगी। तो इसलिए फॉलो करना जरूरी है और साथ में HK2020 कोड का यूज कीजिएगा फ्री क्लासेस देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप आएंगी तो इस कोड को पूछा जाएगा। तो HK2020 इस कोड को आप लिख के रख लीजिए और साथ में इस कोड का यूज जो है आप प्लस कोर्स में लेने के लिए भी यहां पर कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे, 6, 7, 8, 9, 10। तो अलग अलग यहाँ पे डेट लिखे हुए हैं, लेकिन आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 9 दिसंबर को कहेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडीबी एज टेक्निकल असिस्टेंट टू सपोर्ट एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे लगभग अगर हम बात करेंगे तो 2.5 मिलियन डॉलर, मतलब लगभग 18 करोड़ जो है, 18 करोड़ रुपए जो है इसकी बातचीत की गई है। ये अपडेट आप देख सकते हैं, मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 47, नेम द टू सिटी, उन दो सिटीज का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज के लिस्ट में शामिल किया गया। नेम द टू सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज बीन इंड्यूस्ड इंडक्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट। तो यहाँ पे उन दो सिटी का नाम क्या क्या है, ग्वालियर और ओरछा। तो ये अपडेट याद रखिएगा, हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज के तौर पे ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज अंडर द इट्स द वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे दोस्तों। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक इन महाराष्ट्र एज इट्स नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे आपको डी ऑप्शन लेना है,
कराग जनता सहकारी बैंक, ठीक है, इनके पास अभी कोई कैपिटल भी नहीं है और कोई प्रॉस्पेक्ट्स भी नहीं था, इस कारण से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48 पे डी ऑप्शन कहना है। क्वेश्चन नंबर 49, यहां से दोस्तों आपको थीम पूछा जा रहा है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का, 2021 का, सॉरी 2020 का। तो यहां से हमारी जो राइट ऑप्शन होनी चाहिए वो होगा ई ऑप्शन। आपको क्या कहना है दोस्तों? आपको कहना है रिकवर विथ इंटीग्रिटी की बात की गई है, रिकवर विथ इंटीग्रिटी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये हो गया है आपका राइट ऑप्शन, यहां पे हमने तो बात कर ही लिया। क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करते हैं। स्वीडिश पोल वॉल्टर, उनका नाम बताना है आपको, एंड वेनेजुएलियन ट्रिपल जंपर, उनका भी नाम बताइए, ये फीमेल है और ये मेल है, इन दोनों खिलाड़ी का आपको नाम बताना है 2020 मेल और फीमेल वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर के तौर पे। तो यहाँ पे अलग अलग ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर पे लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मोंडो डुप्लांटिस और यूलीमार रोजास, ये उनके नाम हैं जिन्हें इस साल वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करते हैं दोस्तों। द 2021 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? स्कॉटलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या सिंगापुर? तो अलग अलग ऑप्शन है, आप राइट ऑप्शन आप क्या कहते हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे यहां पर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। प्रशांत जी, रितेश, धर्मेंद्र, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्वेश्चन नंबर 51 पे राइट ऑप्शन क्या होगा। बताइए दोस्तों राइट ऑप्शन यहां पे क्या होना चाहिए। ओके, तो यहां से राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 51 पे कहना है ई ऑप्शन, सिंगापुर जाना होगा, ठीक है ना? सिंगापुर, द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF की अगर हम बात करेंगे, डिसाइडेड टू होस्ट द 21 एनुअल मीटिंग इन द सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 52 पे बात कीजिए। विच कंट्री हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एशियन रीजन एंड द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर नोमूरा? तो नोमूरा कहाँ से है? जापान बेस्ड एक एजेंसी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, नोमूरा के बारे में बाद में बात करेंगे। आप राइट ऑप्शन यहाँ पे बताओ क्या कहते हो।
फास्ट कमेंट्स आना चाहिए दोस्तों, फास्ट। ओके, ख्वाजा हुसैन जी हमसे जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं चाइना होना चाहिए। ओके चलो, तो आपके आंसर के साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे क्या कहना है दोस्तों, इंडिया कहना है। तो चलो कोई नहीं, हम बात करेंगे जापानीज रिसर्च एंड ब्रोकरेज हाउस नोमुरा हैज प्रोजेक्ट इंडिया टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी 2021। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 53 पे बात करते हैं। फिच रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया एट व्हाट इज द परसेंट इन फिस्कल ईयर 2020-21। यहाँ पे परसेंट बताना आपको फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए, हम तो बता दें यहां से 9.4%, वो भी माइनस पे। क्लियर है? ये अच्छी बात है कि -10.4 से -9.4 बताया गया। फिच रेटिंग हैज रिसीव रिवाइज्ड द जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करते हैं। हाँ जी, आपने डी ऑप्शन कहा था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ख्वाजा हुसैन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करें, व्हेन इज द ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7, 8, 9, 10, 11, विच ऑफ द डे? कितने दिसंबर को होना चाहिए? फास्ट कमेंट्स करो। अच्छा रितेश कह रहे हैं ये ऑप्शन, यार रितेश मैं मेरे भाई आपको मैं बता दूं यहां से, आपको 10 दिसंबर अपडेट करना है, याद रखना 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में ग्लोबली ये मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 55। नोमुरा की फिर से रेटिंग एजेंसी का फिर से एक बात आ रही है, नोमुरा हैज एस्टिमेटेड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर कैलेंडर ईयर 21 के लिए कितना परसेंट था? यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 9.9% इस साल इस एजेंसी के द्वारा कहा गया है, ठीक है, नोमुरा के द्वारा ये कहा गया है 2021 के लिए इंडिया की जीडीपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल, आप सबने सुना है इनका नाम, has retired from all forms of cricket. He played which team in domestic cricket? तो इसको तो हर कोई बता पाएगा। पार्थिव पटेल कहां से खेलते हैं? बंगाल, मुंबई, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? बताइए दोस्तों। ओके रितेश भाई साहब ने कहा गुजरात, यस। ख्वाजा हुसैन ने भी कहा गुजरात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सी ऑप्शन कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। बैट्समैन पार्थिव पटेल जी, जो कि घरेलू, अगर क्रिकेट की बात करें, घरेलू स्तर पे जो क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो ये गुजरात से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे 2020 के लिए? तो बताइए दोस्तों यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा। लेट्स स्टैंड अप फॉर इक्वलिटी, यूथ स्टैंडिंग अप आवर राइट्स, रिकवर बेटर स्टैंड अप, या फिर ह्यूमन राइट्स 365, क्या ऑप्शन होना चाहिए? बताइए दोस्तों। यस, ख्वाजा हुसैन जी की अगर हम बात करें तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, मेरे भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है,
आपने कहा डी ऑप्शन, यहाँ पर बात की गई है इस साल ह्यूमन राइट डे की, तो रिकवर बेटर स्टैंड्स अप फॉर ह्यूमन राइट्स की बात इस साल थीम के तौर पे की गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप आंसर दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च द आत्मनिर्भर वुमन गोल्ड स्कीम। आत्मनिर्भर वुमन गोल्ड स्कीम, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने ये लॉन्च किया है। एसबीआई, आईसीआई, आईडीबीआई, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या कहते हैं दोस्तों? ओके, रितेश भाई साहब कह रहे हैं बीओबी। बीओबी मींस अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, खाजा हुसैन जग जी भी ने कहा ई ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत बढ़िया, यहां से राइट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहना है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर वुमेन दिसंबर 2020 एज पार्ट ऑफ द बैंक बड़ौदा गोल्ड लोन स्कीम के तहत। ठीक है, ये अपडेट बिल्कुल अच्छे से याद रखना, और बहुत कम प्राइस पे 0.25% ओनली। ठीक है, इसके अलावा अगर बता दें तो रिटेल लोन जो है वो 0.5% पे दिया जाना है। ठीक है, ये पूरा कंसेशन जो है खासतौर पे महिला वर्ग को दिया जा रहा है, तो ई ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंचिए। शेख सबाह अल खलीद अल अहमद अल सबा सबाह वॉज री अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कुवैत, जॉर्डन, ओमान, कतर या फिर यूएई। क्या ऑप्शन यहाँ पे कहते हैं? एकदम फास्ट कमेंट्स आना चाहिए ना, जितना जल्दी आप लोग कमेंट्स करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाएंगे यहाँ पे। तो गाइस जल्दी से जल्दी यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ और जल्दी से जल्दी आंसर दो। यस, ख्वाजा भाई साहब ने कहा ए ऑप्शन कुवैत। ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। कुवैत इज द राइट आंसर। कुवैत, या जो हमने नाम पढ़ा शेख सबा अल खलीद अल अहमद अल सबा री अपॉइंटेड एज द कुवैत प्राइम मिनिस्टर, तो कुवैत प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है, अच्छे से याद रखिएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिप्लेस्ड द मालदीव एज द होस्ट ऑफ द 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स के तौर पे। और ये है आपका कोमोरोस है, या मेडागास्कर, मॉरिशस, या फिर मोजाम्बी मोजाम्बिक, या फिर साउथ अफ्रीका। अलग अलग ऑप्शन है, कौन सा देश होना चाहिए, कौन सा देश होना चाहिए। खाजा भाई साहब ने कहा यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए। खाजा भाई साहब ने कहा डी ऑप्शन होना चाहिए। रितेश भाई साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अच्छा अच्छा मेडागास्कर, बहुत बढ़िया। तो मेडागास्कर पे पहुंच जाना है। मेडागास्कर यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेडागास्कर, ये जो देश है हम इसी की बात कर रहे हैं। मेडागास्कर हैज रिप्लेस्ड द मालदीव्स एज द होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स ड्यू टू द कोरोना वायरस। ठीक है, कंसर्न ओवर द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये तो ऑलरेडी देश में बढ़ रहा है, आप सबको पता है, लेकिन चिंता का विषय अभी फिर से ये बढ़ गई है। ठीक है, तो खैर आप लोग मास्क बनाए, मास्क रखें, सुरक्षित रहें और घर बैठे तैयारी करें। और घर बैठे तैयारी करने के लिए तो एक ऑप्शन हमारी अनअकैडमी पे है ही, एक प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो और मजे से घर में बैठ के पढ़ो। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 63 61 पे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ग्रैब्ड 41st स्पॉट इन द 2020 लिस्ट फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स इन द वर्ल्ड। जिया मोदी, किरण मजुमदार, निर्मला सीतारमन, नीता अंबानी, सुनीता रेड्डी। क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे? ओके, यहाँ पे खाजा भाई साहब ने कहा सी ऑप्शन, निर्मला सीतारमन। अच्छा, रितेश भाई साहब ने भी आंसर दिया एफएम मिनिस्टर, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हम बता दें यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी का यहाँ पे राइट ऑप्शन लेना है दोस्तों, नाम लेना है आपको, क्योंकि 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स के तौर पे इनको जाना जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, अभी रैंकिंग जो हुई है खासतौर पे लिस्ट ऑफ फोर्ब्स, फोर्ब्स एक पत्रिका है दोस्तों, फोर्ब्स एक पत्रिका है जो हर साल रैंकिंग अलग अलग बताती है। तो यहाँ पर जो है ऐसी रैंकिंग बताई गई है, खासतौर पे फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसमें शामिल हुए हैं निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स में इनको शामिल किया गया, इनके नाम को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे कहना था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 62। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इलेक्टेड एज द वर्ल्ड क्वेस फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो क्वेस फेडरेशन प्रेसिडेंट के ऑनर कौन है, मतलब एज ए इलेक्ट होके कौन अभी वर्ल्ड स्क्वेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। जहांगीर खान,
सुशी, जैकीज, जेना या नारायणा? यस, अच्छा भाई साहब ने कहा यहाँ पे डी ऑप्शन। ओके अच्छा, रितेश का भी आ गया आंसर, डी ऑप्शन कह रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 पे अगर बात करें तो जेना वुल्ड्रिज का हम नाम याद रखना है, फ्रॉम द इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से हैज बीन इलेक्टेड एज द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट। ठीक है, डी ऑप्शन कहना था दोस्तों। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 63। द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इलेक्टेड कौन है एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जनवरी 2021? इनका नाम क्या पता है आप लोग को? अगर पता है तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। पीटर फिलिप्स और कोई बताइए। फास्ट कमेंट्स करो दोस्तों, फास्ट फास्ट। कोई आइडिया नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 63 पे अपडेट कर लेना, अन्निका सोरेनस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की अगर हम बात करेंगे तो अभी इलेक्ट हुई है, जिनको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है 1 जनवरी 2021 से, इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। चूंकि हम दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसलिए पुराना न्यूज हो गया, लेकिन हमें 6 मंथ का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही रहता है, इसलिए हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं लगभग 150 क्वेश्चन के साथ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। खाजा जी आप काफी अच्छा आंसर देते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपडेट कर लीजिएगा, मैंने पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात कहूंगा रितेश, या आप लोग जो भी यहाँ पे लाइव जुड़े हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरी जो फ्री क्लासेस की जो टाइमिंग है, अभी एक दो स्लाइड अभी आ जाएगा बीच में, तो मैं आपको बता दूं मेरी फ्री क्लासेस जो होती है वहां पे बिल्कुल आप लोग को डेली आनी। तो यहाँ पे इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ मेरी डेली क्लासेस लगती है मॉर्निंग में 7:30 AM को और 9:30 PM को। तो इन दोनों क्लासेस में आप लोगों को आना है दोस्तों। ठीक है, डेली क्लासेस रहती हैं, सिर्फ संडे को छोड़ के, संडे हॉलीडे रहता है मेरा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे पूरी मेरी क्लासेस आप देख पाएंगे 7:30 और 9:30 PM को, 7:30 मॉर्निंग 9:30 इवनिंग में। तो इस क्लासेस पे आप लोग को बने रहना दोस्तों। ठीक है, ताकि आप डेली आपका करंट अफेयर्स होते जाएगा, और आपको 1 महीने का डायरेक्ट करंट अफेयर्स अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो डेली थोड़ा 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 हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ भी पढ़ेंगे और वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए तो आज की शुरुआत में हम 150 क्वेश्चन तो लगाने वाले हैं। अभी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स गोल्फ बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट्स अगेन? तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कुछ है इसके बारे में आइडिया? ओके, रितेश जी का आंसर आ गया है, उन्होंने कहा 2016। ग्रेट, हम बात कर रहे हैं 2016 की ही बात करने वाले थे, क्योंकि गोल्फ बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट्स अगेन इन द 2016 आफ्टर द 112 ईयर्स, पूरे 112 साल के बाद। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स इन द वर्ल्ड? तो देखिए दोस्तों, हमने बताया कि हमारी FM मिनिस्ट्री को देखने वाली जो मिनिस्टर है का नाम है निर्मला सीतारमण जी, वो तो अभी 100, टॉप 100 में उनकी लिस्ट जो है वो टॉप 100 के अंदर में है, लेकिन इस टॉप 100 में सबसे टॉप पे जो महिला का नाम है, उस महिला का नाम क्या है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उस महिला का नाम क्या है दोस्तों, तो आप अपडेट कर लो क्वेश्चन नंबर 65 पे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एंजेला मार्केल का आपको नाम याद रखना है। क्लियर है, एंजेला मार्केल का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द वाईफाई अवेलेबिलिटी इन द पब्लिक स्पेस अक्रॉस द इंडिया।
पीएम कनेक्ट, पीएम वाणी, पीएम वाईफाई, पीएम हॉटस्पॉट या फिर पीएम 5G। यहां से खाजा भाई साहब ने कहा सी ऑप्शन होना चाहिए, पीएम वाणी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। रितेश का भी आंसर आ गया सी ऑप्शन, बिल्कुल ये पीएम वाणी की ही बात है। पीएम वाणी मीन्स प्रधानमंत्री वाणी करके प्राइम मिनिस्टर जी ने वाईफाई एक्सेस के लिए नेटवर्क इनिशिएटिव एक प्रोग्राम लाए हैं जिनका नाम है पीएम वाणी। 9 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। इम्प्रूव द वायरलेस कनेक्टिविटी एंड द पेव द वे ऑफ फ्री वायरलेस इंटरनेट पब्लिक स्पेस अक्रॉस द कंट्री। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 67 पे बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2020 एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। तो एडीबी के बारे में अगर हम अपडेट लेना चाहें तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आप लोगों को, यहां पे जो टोटल परसेंट की बात हम करेंगे वो रहेगा -8% का। क्लियर है? यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इट्स इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट विद 8% 2020 एंड एज द अगेंस्ट परसेंट ऑफ प्रीवियस फोरकास्ट। 8% पे वो आ चुका है। ये था अभी तो रिसेंटली, अब चूंकि COVID-19 बढ़ रहा है, आज ही आपने न्यूज़पेपर डेली का पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कि अब फिर से जो है मार्केट में थोड़ी सी उथल पुथल की स्थिति आई है COVID-19 पेंडेमिक को लेकर। तो मार्केट में अप एंड डाउन की स्थिति चल रही है, तो इसके हिसाब से अलग अलग रेट जो है वो डिसाइड हो जाते हैं और ये एक वेरिएशन में रहता है ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करते हैं। How much amount has been approved by the cabinet for the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana? A, B, R, Y. Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. कितने रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जानी है इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए? क्या आपको आइडिया है इसके बारे में? अगर है तो जल्दी से आंसर बताओ, क्या ऑप्शन यहाँ पे कहते हो? ओके, रितेश भाई साहब ने कहा सी ऑप्शन 22,110 करोड़। चलो ठीक है, और कोई एनीबॉडी? सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं यहां से 22,810 सीआर की बात की जा रही है, मतलब 22,810 करोड़ रुपए टोटल जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, तो इस साल कैबिनेट ने मंजूरी दे चुकी है, ये दिसंबर के करंट अफेयर्स के तौर पे याद रखिएगा। उसके बाद चूंकि बजट की बात है तो बजट वाला जो क्वेश्चन है वो कब आया, तो बजट तो बाद में आया, तो बजट वाले क्वेश्चन में और भी जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नेम द सेलिब्रिटी हु हैज टॉप्ड 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 लिस्ट यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर। अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद, अरमान मलिक या प्रभास। यहां पे राइट ऑप्शन क्या? सोनू सूद। आप सबको पता है सोनू सूद इसलिए भी फेमस हुए थे और फेमस होना भी चाहिए उनको, क्योंकि आपने सुना भी है, देखा भी है आपने कि COVID-19 में उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है लोगों की मदद की, बहुत आगे आए, बहुत सामने आए और खुले दिल से उन्होंने यहाँ पे लोगों की मदद की। तो ऐसे इंडियन एक्टर सोनू सूद की हम बात कर रहे हैं, हैज टॉप्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड 2020 लिस्ट पब्लिश्ड बाय द यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे की अब यहाँ पे बात की जा रही है, तो हम बता दें आपको कि आप कहेंगे 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, यहां से हम बात कर रहे हैं कोयलर ब्रिज का। क्या है ये कोयलर ब्रिज जिनका हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है, विच स्टेट रिसेंटली। तो कोयलर ब्रिज का मतलब आप समझ गए हैं, कोयलर एक ब्रिज है जिसका हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है। कौन से स्थान पे ये स्थित है? राजस्थान स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? यहां पे बताइए स्टेट का नाम। कोयलर
ब्रिज कहाँ बनाया गया है जिसका उद्घाटन अभी किया गया था? चलिए तो राइट ऑप्शन आप लोग कहेंगे बिहार, आपको पहुंच जाना होगा बिहार। तो बिहार के बारे में एक अपडेट आ रहा है, बिहार के बारे में हम अपडेट ले लें। द यूनियन मिनिस्टर और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री कौन देख रहे हैं? नितिन गडकरी, जिनके माध्यम से इनॉग्रेट किया गया है 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का, ब्रिज का, जिसका नाम है कोयलर ब्रिज ओवर द सोन नदी। आपने सोन नदी सुना होगा बिहार में, तो सोन नदी रिवर इन बिहार थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन द 10 दिसंबर 2020। ये अपडेट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72, द नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट NCDE, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, हैज बीन लॉन्च्ड बाय द CRPF इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, असम या फिर त्रिपुरा? तो उस स्टेट का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे? चलिए ओके, रितेश जी कह रहे हैं त्रिपुरा। ठीक है, चलो भाई हम चलते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन के तौर पे, तेलंगाना पहुंचना है आपको। ठीक है, तेलंगाना कहना है। क्यों तेलंगाना? यूनियन मिनिस्टर स्टेट एट होम अफेयर्स कौन देख रहे हैं? जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड द नेशनल सेंटर फॉर द दिव्यांग एम्पावरमेंट NCDE एट द CRPF ग्रुप सेंटर इन द हेमी कैप हकीम पेट। कहां पे? हकीम पेट नियर हैदराबाद इन द तेलंगाना ऑन 10 दिसंबर 2020। ये यहां पर भी ऑप्शन कहना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लें, यहां पे आ रही है यूनिसेफ की बात। तो आपको पूछा जा रहा है यूनिसेफ डे जो मनाया जाता है इज ऑब्जर्व ऑन विच डे एनुअली अक्रॉस द ग्लोब? पूरे विश्व भर में यूनिसेफ डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है वो डेट आपको बतानी है। दिसंबर का डेट है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? चलिए तो आंसर पे पहुंचते हैं। यूनिसेफ डे की अगर हम बात कर लें तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे 11 दिसंबर को, एवरी ईयर 11 दिसंबर को ये यूनिसेफ डे मनाया जाता है दोस्तों। एवरी ईयर ऑन यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व 11 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74, ल्यूडोविक अर्बन, ठीक है, ल्यूडोविक अर्बन हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये जो नाम मैंने लिया ल्यूडोविक का, ये हाल ही में अभी एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी देश में प्राइम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, जिन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है, वो कौन से देश का नाम है? हंगरी, रोमानिया, पुर्तगाल, स्लोवाकिया या ओमान? उस देश का नाम क्या है? रोमानिया। रोमानिया के प्रधानमंत्री के तौर पे जो नियुक्त थे प्राइम मिनिस्टर का नाम ल्यूडोविक, जिन्होंने हाल ही में अभी रिजाइन दे दिया है। हिज पोस्ट ऑन 7 दिसंबर 2020 आफ्टर हिज रूलिंग नेशनल लिबरेशन पार्टी की, हम बात करें PNL की, लॉस्ट इन द 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 75, विच एक्टिविटी इज द न्यूएस्ट टू बी द ऑफिशियल डिक्लेरेशन एज द ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड इट्स स्लेटेड टू डिबट इन द 2024 पेरिस गेम्स? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ब्रेक डांसिंग भी है, जुम्बा है, बैलेट डांस है, पोल डांस है और सालसा है। और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रेक डांसिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक डांसिंग। तो ये आपको राइट ऑप्शन लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे।
व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे जो 2020 है दोस्तों, इसकी थीम इस साल की क्या थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल बात की गई है माउंटेन बायोडायवर्सिटी की। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? डी ऑप्शन। माउंटेन डायवर्सिटी इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल माउंटेन डे, सो लेट्स सेलिब्रेटेड देयर रिच बायोडायवर्सिटी एज वेल एज एड्रेस द थ्रेट्स दे फेस। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, 77 पे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए आपको अनएकेडमी में अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन साथ में और भी ढेर सारे जो फायदे हैं वो लेना ना भूले। तो ध्यान रखिएगा, HK 2020 इसी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड का बिल्कुल यूज करना है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इस कोड को वहां पे लगा दीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा प्रोफाइल है दोस्तों, मेरा प्रोफाइल जो है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उस प्रोफाइल लिंक को आप क्लिक कीजिएगा और आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद मेरे प्रोफाइल पे आपको मैसेज का भी बॉक्स दिख जाएगा। HK 2020 ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज कीजिएगा। फ्री क्लासेस के लिए इस कोड को लगाइएगा और फ्री क्लासेस लीजिएगा। और अगर पेड कोर्स में आ रहे हैं दोस्तों, तो इस पेड कोर्स में आने के लिए आपको इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन इस कोड का यूज करना आवश्यक होगा। तो ध्यान रखिएगा इन सारे कोर्सेस को। यहां पर क्वेश्चन नंबर 77 पे बात करते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड 2020 रामानुजन प्राइज फॉर द यंग मैथमेटिशियन? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उस यंग मैथमेटिशियन का नाम आपको बताना है। कैरोलिना अराउजो, अराउजो, ठीक है, कैरोलिना अराउजो। रामानुजन प्राइज 2020 इन्हीं को गया है पुरस्कार के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 78 पर, नेम द इंडियन एथलीट हु रिसेंटली ऑनर्ड विथ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी, फिक्की। तो फिक्की आपने सुना है नाम, तो यहां पे बताओ इस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम क्या होना चाहिए? तो चलिए यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 पे, सी ऑप्शन, एला वेनिल वाला रिवन। ठीक है, सी ऑप्शन कहना है। एंड एन क्वेश्चन नंबर 79, नेम द इंडियन एथलीट हु रिसेंटली ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन मेल कैटेगरी बाई द फिक्की। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दीपांकर भट्टाचार्य, अनूप, चेतन, MS धोनी या बजरंग पुनिया। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 79 पे आप कहेंगे राइट ऑप्शन बजरंग पुनिया। तो बजरंग पूनिया जो है रिसेंटली ऑनर्ड विद द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी बाई द फिक्की, ई ऑप्शन कहना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 तक अभी हम इस क्लास में करेंगे दोस्तों, और क्लास हमारी जो 9:30 को फिर से आज रात को होगी, उस 9:30 वाली क्लासेस में बाकी बचे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। लगभग हमारी यहाँ पे 70 क्वेश्चन बचेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट करने के बाद। 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे, जिसे हम रात वाली क्लास जो है 9:30 को उस समय पर पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 से मैं ये इस सीरीज को लास्ट कर रहा हूं। उसके बाद आगे की क्लासेस हम रात को नाइट 9:30 को करेंगे, 9:30 PM को आप लोगों से फिर से कनेक्ट होंगे, जहां पर बाकी बचे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम वहां पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का अभी इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ऑनर्ड विद द बेस्ट स्टार्टिंग स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्डेड बाई द फिक्की? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज ऑनर्ड विद बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड फिक्की। यहाँ राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट जो 80 क्वेश्चन मैंने अभी इस सीजन पे दिए, इस सेशन पे दिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा। और लगभग 70 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, जिसे आज हम लास्ट में 9:30 को हमारी जो एक सीरीज होगी वहां पर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोगों से फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे और ऐसे ही सेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट मैं वहां पे आपको दूंगा 9:30 वाले में। ठीक है, तो 9:30 वाली क्लासेस के लिए आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आइएगा, बाकी की क्लासेस हम वहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा चाहूंगा, लेकिन जाते जाते कुछ बातें बताना चाहूंगा जो खास तौर पे ध्यान रखिएगा। यदि आप यहाँ पर अनअकैडमी से जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा अनअकैडमी का एप्लीकेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास अनअकैडमी का एप्लीकेशन नहीं है, तो आज ही आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, और डाउनलोड करने के बाद आप मुझसे यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट हो जाइएगा। हरीश कुमार मेरा नाम है, मेरा प्रोफाइल नेम याद रखिए हरीश कुमार। बैंकिंग कैटेगरी में मैं एज ए वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूँ। HK2020 मेरा कोड है दोस्तों, इस कोड की मदद से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके साथ साथ स्पेशल जो क्लासेस होती है वो टोटली फ्री होती है, इसकी मदद से आप इस कोड को लगा के मेरी फ्री क्लासेस देख पाएंगे, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। मेरी प्रोफाइल लिंक को आप अपने दोस्तों को भी यहां से शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी मुझसे जोड़ पाएंगे। तो मेरे प्रोफाइल लिंक को यहां से आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मेरी प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए, तो और लाइव क्विज भी हमें करनी है दोस्तों। लाइव क्विज का मैं अलग से एक टाइम बना रहा हूँ, जिस टाइम पर हम इस लाइव टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। हर बार ये कोड जो है वो नया दिया जाता है आपको, अलग अलग 6 डिजिट के ये कोड होते हैं। तो जब भी ये क्लासेस हम करेंगे तो आपको अलग से मैं कोड दूंगा, जिससे आप कनेक्ट होके इस टेस्ट सीरीज को दे पाएंगे। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लें। तो जो भी बच्चे यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो प्लस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो प्लस ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करने के बाद आपको फीस शो हो जाएगी, लेकिन आपको किसी एक फीस पर एडमिशन लेनी है, जिस पर आप इस बॉक्स पे लिखेंगे HK2020 इस बॉक्स पे, और इसे इस बॉक्स पे लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फीस जो है वो काफी कम हो गई है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस करने से आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड से मिलना है। ठीक है, और मेरी क्लासेस की टाइमिंग भी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मेरी क्लासेस की टाइमिंग मैंने लिखा हुआ है। मेरी क्लासेस जो है स्पेशल क्लासेस के तौर पर, जो कि फ्री क्लासेस है, इसकी टाइमिंग है 10:30 बजे सुबह और रात को 8 बजे। एवरी डे ये क्लासेस लगभग होती है फ्री क्लासेस के तौर पे। और YouTube की अगर क्लासेस की बात करूं दोस्तों, तो फ्री क्लासेस यहां भी होती है 7:30 हर रोज मॉर्निंग में और 9:30 हर रोज इवनिंग में। तो ये मेरा YouTube चैनल ध्यान रखिएगा, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे मेरी क्लासेस चलती है 7:30 और 9:30 हर रोज। ठीक है, तो चलिए ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। किसी प्रकार का कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आपकी जो भी समस्या हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने काफी समय दिया। चलिए, तो आप लोग से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग बेल आइकॉन हिट करके रखिए, इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को और भी दोस्तों तक पहुंचाइए, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम टेलीग्राम चैनल, और साथ में वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, इस दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको ढेर सारे अपडेट मिलते हैं, हर रोज क्लासेस के शेड्यूल मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से थंब इम्प्रेशन लगा देना, लाइक कर देना, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, और भी क्लासेस में कोई अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।